क्या आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ FIR होगी? क्या राघव चड्ढा ने संसद के अंदर फर्जीवाड़ा किया? क्या राघव चड्ढा बुरे फंस गए हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 7 अगस्त को आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की। उन्होंने इस सेलेक्ट कमेटी के लिए जिन सांसदों के नाम प्रस्तावित किए, उन सांसदों ने ही कह दिया कि इसके लिए उनकी सहमति तक नहीं ली गई। इस पर अमित शाह ने चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर डाली। जिन नेताओं के नाम प्रस्तावित किए गए हैं वो हैं बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, नरहरी अमीन, नागालैंड की सांसद पी कोन्याक, AIADMK के थम्बी दुरई और BJD के सस्मित पात्रा। सुधांशु त्रिवेदी और सस्मित पात्रा ने कहा है कि हमने तो सिग्नेचर ही नहीं किया है। इसी जब हाउस चल रहा था उस वक्त अचानक जो रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे, तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्ढा जी, और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था, मेरे सुनने में आया, तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला जाया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था, तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ हाउस। आगे बढ़े इससे पहले देखिए कि आखिरकार संसद में हुआ क्या था। आई शैल नाउ पुट द अमेंडमेंट मूव्ड बाय श्री राघव चड्ढा फॉर रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास बाय लोकसभा टू ए सेलेक्ट कमिटी ऑफ द राज्यसभा टू वोट। द क्वेश्चन इज दैट that the bill further to amend the government of national capital territory of delhi act 1991 as passed by lok sabha be referred to a select committee of the rajya sabha consisting of the following members: shri narhari amin, shri ajit kumar bhuiya, dr john britas, shri raghav chadha, shrimati priyanka chaturvedi, shri susheel kumar gupta, shri dipender singh hudda, professor manoj kumar jha, डॉक्टर फौजिया खान, श्रीमती एस फोंगन कोन्याक, श्री सुखेंदु शेखर रॉय, डॉक्टर सस्मित पात्रा, श्री जयराम रमेश, श्री एस निरंजन रेड्डी, श्री कपिल सिब्बल, श्री त्रिचि शिवा, डॉक्टर एम थम्बी दुरई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, माननीय दोनों सम्मान्य सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है, माननीय इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। माननीय ऐसे नहीं चलता है माननीय। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। ऐसा कैसे चलता है माननीय? मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। कहा जा रहा है कि अगर तथ्य सही पाए गए और राघव चड्ढा 5 अन्य सांसदों के नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करने के दोषी पाए गए तो विशेषाधिकार समिति उनकी सांसदी को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। वहीं आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री इस पूरे मामले में झूठ फैला रहे हैं, सेलेक्ट कमिटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। कल भारत की संसद में एक गैर संवैधानिक बिल पास किया गया और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्यवाही के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। आप कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता भी छीनने की कोशिश कर रही है। नकली हस्ताक्षर की बात बिल्कुल झूठी है। वैसे मीडिया के पास आए दस्तावेजों में भी सिग्नेचर नदारद है। अब देखना है कि ये मामला कहां तक जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।